तो टोटल टीवी लगातार उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं, आपकी जुबान से निकल रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। गुड़िया के कितने गुनाहगार हैं? समाज जिम्मेदार है जो अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल नहीं दे पा रहा? वो सिस्टम जिम्मेदार है जो बच्चों की, लड़कियों की मासूमियत की सुरक्षा नहीं कर पा रहा? वो नेता जिम्मेदार हैं जो वादे बड़े बड़े करते हैं लेकिन वादों को निभा नहीं पा रहे? कानून, व्यवस्था, पुलिस, आखिर कौन है जिम्मेदार? हमारे साथ दो और नए मेहमान जुड़ चुके हैं। मीरा अग्रवाल जी जुड़ी हैं, महापौर रह चुकी हैं त्रिदिली नगर निगम की। हमारे साथ रेणु जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मीरा जी, जो हो रहा है, जिस तरह का सब हमने ये पूरा माहौल क्रिएट कर दिया है, हम हैवानियत पर बात कर रहे हैं, कौन गुनहगार है उसका? देखिए, मुझे लगता है जो इस समय के जो हालात हैं, एक के बाद एक जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, और हर घटना पहले से कुछ ज़्यादा दिल को दहलाने वाली, ज़्यादा रोंगटे खड़े करने वाली है, इसमें कहीं ना कहीं जहां हम समाज की जिम्मेदारी जो है वो तो है ही, लेकिन सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट पर महिलाओं की सुरक्षा कभी भी रही नहीं। वो लगा कि भाई ये तो एक ऐसे ही चल रहा है तो चलेगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज जो अपराधी हैं वो बेखौफ हो गए हैं। उनको ये डर ही नहीं है कि इस तरह का अपराध करने के बाद मेरे साथ जो हाल होगा वो कहीं ना कहीं दूसरों को सीख देने वाला होगा। ज्यादातर लोग बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं, कोई प्रकाश में आ रहा है तो उनके ट्रायल इतना लंबा हो जाता है कि लोग भूल जाते हैं चीजों को। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एकदम तुरंत जो सजा सार्वजनिक रूप से इस तरह के अपराध की, क्योंकि 50% महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा आज के मैं ये न्यूज चैनल्स में देख रही थी कि एक बुजुर्ग ने एक नाबालिग युवती के साथ फिर वही कर्म किया। तो जब तक दिल में ये भय नहीं बैठेगा, ये खौफ नहीं होगा कि इस तरह का अपराध की कहीं कोई बख्शा नहीं जाएगा, तब तक चीजें ठीक है। समाज के में जो हम एक शिक्षा देने के, नैतिक शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म उसके भी इफेक्ट होंगे, लेकिन इंस्टेंट इन सब में सर्जरी की जरूरत है। और वो सर्जरी है कि सरेआम सार्वजनिक रूप से उस व्यक्ति को, एक को भी अगर आप फांसी देंगे ना, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, अगर उसने मान लिया है कि उसने ये किया है, ये स्थापित हो गया उसने किया, तो उसको सबके बीच में फांसी दे दी जाए, तब जाकर के लोगों को थोड़ा समझ आएगा, थोड़ा भय बैठेगा और चीजें उसके बाद ठीक रूप लेंगी। जी बिल्कुल, तो एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है हमें, ताकि जो इस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं, इस तरह के मंसूबे रखते हैं, उनके मन में खौफ बैठे और वो ऐसा करने के से सोचने से पहले भी 10 बार सोचे और डरे, और ताकि इस तरह की वारदातें हैवानियत ना हो सके। रेणु जी, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह मामले सामने आ रहे हैं, हैवानियत जिस तरह मीरा जी ने कहा कि बढ़ती ही जा रही है, हर एक घटना में हैवानियत और बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वो इसके लिए गुनहगार नहीं है? नहीं, देखिए, समाज में हम लोग रहते हैं और समाज हम लोगों ने बनाया है, उसका प्रतिनिधित्व कुछ लोगों के हाथ में दे दिया, उसके बाद हम थोड़ा सा ये संतुष्ट होकर बैठ गए कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो उस पर अच्छे से काम करेंगे, चाहे वो प्रशासन है चाहे वो पुलिस है। लेकिन अगर वो लोग काम नहीं कर रहे, ये जो आज हमारी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है महिलाओं की, जो एक महिला के साथ होता है तो हर महिला के दिल में हलचल पैदा हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को असुरक्षित समझने लगती है। तो आज सवाल जो पुलिस पे उठ रहा है, उसका सीधा सीधा मुझे जो कारण लगता है कि अगर हमारे यहाँ कानून बनता है, कानून जब तक कार्यान्वित होता है वो कैसे होता है, एक पुलिस की FIR से, पुलिस में FIR नहीं लिखी जाती। इस बारे में आप सब लोग, हम सब लोग जानते हैं कि पुलिस अगर FIR तुरंत इसमें रजिस्टर करे, उस पर तुरंत कार्रवाई हो, अगर अपराधी पकड़ा जाता है तो उस पर तुरंत फैसला होना चाहिए। आज की डिमांड हर औरत की यही है कि अगर इस तरह का जो कुकर्म उसने 10 मिनट में किया, उसके लिए 10 साल की इंतजार वो क्यों करे? सीधा सीधा हमारा एक ही प्रश्न है कि जिस 10 मिनट के कुकर्म ने एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी, सारी उम्र वो उस चीज को भूल नहीं पाएगी, तो उसके लिए अगर अपराधी को आप सजा देने में इतना लंबा टाइम लगाएंगे तो वो हमें मंजूर नहीं है। आज की हर औरत का, चाहे आप यहाँ बैठी हुई औरत से पूछिए, चाहे सड़क चलती औरत से पूछिए, चाहे घर में बैठी औरत से पूछिए, एक ही अंदर से दर्द है कि इसका क्या इलाज है। ये महामारी इतनी बढ़ चुकी है और ये एक के बाद एक के बाद एक को निगलती जा रही है, इस महामारी का क्या इलाज है? हमने पल्स पोलियो लागू करके पोलियो का इलाज किया,
हमने कैंसर का इलाज ढूंढा, हमने हर बीमारी का इलाज ढूंढा, लेकिन ये बीमारी जो आदमी आदमी को दे रहा है, जो इंसान इंसान को दे रहा है, इस महामारी का क्या इलाज है? ये हमारा दर्द है और इस दर्द को हम समाज के सामने रख रहे हैं। इस दर्द का इलाज जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, जिनके हाथ में कुछ ताकत है, हम उनसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं कि एक लड़की का ये दर्द है, एक औरत का ये दर्द है, उस औरत का जो ये समाज की जननी है, जिसने इस समाज को बनाया है, जिसने आदमी को पैदा किया, और वो आदमी आज उसकी अस्मिता पर एक क्वेश्चन मार्क, एक कलंक बनकर अगर आ रहा है, तो बाकी पुरुषों पर भी ये एक एक आत्मग्लानी का सब्जेक्ट आ जाता है। क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि समाज में हर आदमी एक सा हो, हम नहीं कहते, क्योंकि हमारे साथ हैं जो हमारी परवरिश भी कर रहे हैं, जो हमारे पिता हैं, या लेकिन कुछ लोगों की वजह से अगर समाज खराब हो रहा है, अगर वो एक ऐसा जीवाणु, एक ऐसा विषैला वो है, तो उसको उसके इलाज के लिए कुछ ना कुछ बहुत जल्द करना पड़ेगा। इसमें सोच विचार की कोई जरूरत नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपके हाथ में भी कोई घाव हो जाए जो नासूर बनने लगे, तो उस हाथ को काट देना ही बेहतर रहता है, ताकि आप बाकी की जिंदगी अपनी जी सके। अन्नपूर्णा जी, उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है, इससे पहले कि जो जख्म नासूर बन गए, हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक हो गए, समाज के लिए खतरनाक हो गए, उन्हें उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब कोई घाव शरीर के अंदर हो जाता है तो हम उसका ऑपरेशन करते हैं, जब नासूर बन जाता है तो संग को काटना पड़ता है। तो मैं तो इस बलात्कार के मामले में यही कहूंगी कि ऐसे जघन्य अपराधियों को तो बधिया कर दिया जाना चाहिए, और फांसी से बेहतर तो कोई सजा हो ही नहीं सकती। हम अपराधियों को स्पेस दे रहे हैं, स्पेस, और अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उनको सजा हम दे कहा रहे हैं? सजा देने की सख्त जरूरत है, ताकि एक भय पैदा हो अपराधियों को। यहाँ तो आराम से घूम रहे, स्वर्ग इसलिए दिल्ली बनती जा रही है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, नहीं चलेगा। वैसे भी अपराधियों की नगरी अपने दिल्ली को कहने लगे हैं, एक पूरी दुनिया में क्या क्या इम्प्रेशन जा रहा है, रोज ये घटनाएं आने से, जो एक टूरिस्ट हो, कोई पूरी दिल्ली में, कहीं और पूरी दुनिया में जो मैसेज आ रहा है, उसे ठीक करने के लिए, वो मैसेज, एक ठीक मैसेज देने के लिए कि इस तरह की वारदातें दिल्ली में अब और नहीं, बस अब और नहीं, ये मैसेज देने के लिए एक सख्त कदम की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज ये नहीं, वो सख्त कदम कौन उठाएगा मीरा जी? नहीं, सख्त कदम तो स्वाभाविक रूप से जो जिस तरह से अब गृह मंत्री जी से कहा जा रहा है, होम मिनिस्टर आखिर तो सर्वे सर्वा है इस मामले में। एक कानून उन्होंने इसके दामिनी के केस के बाद एक कानून आनन फानन में बना, लेकिन वो कानून जो बना वो अपने आप में पूरी तरह से इस तरह का नहीं था कि जिससे के लोगों के मन में भय हो। उसके बाद भी रोज लगातार ये घटनाएं आती रही। अब इस देश के सरकार को, भारत सरकार को ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि प्रायोरिटी लिस्ट में महिला सुरक्षा हो, और महिला सुरक्षा जब उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में होगी तो उसमें जहां उनको सुरक्षा देने की बात है, वहीं साथ ही सुरक्षा के साथ साथ संस्कारों के साथ साथ अपराधियों को सजा देना भी। संस्कार, सुरक्षा और उसके बाद सजा, तीनों चीजें, जिम्मेदारियां जो हैं वो सरकार की आ जाती हैं। और जहां वो सुरक्षा के लिए कदम उठाए, जहां वो उनको संस्कारों के लिए स्कूलों में नैतिक शिक्षा का और उसका वो सब कुछ प्रावधान हो, वहीं अगर कोई ये अपराध करता हुआ पकड़ा गया, उसके बाद पकड़ा गया, तो उसको तुरंत इस तरह की सजा, जिससे कि लोगों के दिल में एक खौफ हो, क्योंकि इंस्टेंट प्लेजर के लिए और एकदम दिमाग में, उसके बाद चाहे उसको भी कितनी आत्मग्लानी होती रहे, उसके बाद चाहे वो ये कहता रहे कि देखो मेरे से गलती हो गई, मैं भी ये, उसके परिवार वाले, उसके साथी, वो लोग उसकी प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, लेकिन नहीं, अगर एक दो को आपने सजा दे करके कोई वो स्थापित किए, कीर्ति, इस तरह के चीजें एग्जाम्पल सेट किए, तो लोगों के मन में भय बैठेगा। और वैसे भी मुझे एक बात और कहनी जी, दिल्ली चारों तरफ से, दिल्ली के बॉर्डर्स अनसील हैं, यहाँ राजस्थान से लोग आते हैं, यहाँ बिहार से आते हैं, यहाँ पंजाब से आते हैं, यहाँ यूपी लगती है, यहाँ हरियाणा लगता है, तो जो अपराधी प्रकृति का व्यक्ति है उसके दिमाग में ये आता है कि मैं यहाँ आकर के अपराध करके अपने स्टेट में, नेटिव स्टेट में जाके छूट जाऊँ। तो इस कारण से महानगर वाली जो यहाँ जिंदगी है, महिलाओं को बाहर निकलना है, लड़कियों को बाहर निकलना है, और निकलना जरूरी भी है आज के युग में, तो उसमें अपराधियों के मन में अगर एक बार ये आ गया है कि भाई ये बहुत सुरक्षित है,
अपराध करके और बच निकल के भागने के लेकिन लिए। लेकिन ऐसा सिर्फ ये कहना कि दिल्ली में चारों जो हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो अनसील्ड हैं और इस तरह कोई भी आता है और सबके मन में ये होता है कि वो तो करके भाग जाएगा, लेकिन दिल्ली की बात नहीं ना, बात तो हरियाणा में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, एक स्विस ट्विस्ट के साथ हुआ। मैं कह रही हूँ ना कि इसलिए पुलिस को यहाँ एकदम एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। इस समय हम बात क्योंकि अब दिल्ली की कर रहे हैं, इस समय हम दागदार दिल्ली, तो दिल्ली और दिल्ली का मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। यहाँ की पुलिस जब एग्जाम्पल सेट करेगी और यहाँ के जब कानून व्यवस्था इस तरह की होगी तो दूसरी जगह पर भी असर पड़ेगा और वो अपराधी के मन में ये नहीं रहेगा कम से कम कि ये तो अपराधों की नगरी बन चुके, यहाँ मैं आऊं कुछ भी करूं और चला जाऊं। लेकिन अपराधी चाहे दिल्ली में हो या कहीं और हो, उनके मन में खौफ होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी ये पूरी बॉडी है, ये हमारा पूरा देश मान लेते हैं, इसमें कहीं पर भी किसी भी प्रदेश में किसी भी अंग में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है वो तो औरत के साथ रही है ना, नारी के साथ हो रही है, तो नारी तो मैं हर जगह हूँ और मेरे साथ कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे मंजूर नहीं है। ये बात हम ऐसे कह सकते हैं कि ये आत्मा, आत्मा में अगर हमारी आत्मग्लानी किसी चीज़ के लिए हम फील करते हैं तो हम उसे दोबारा नहीं करते। एक तो ये चीज़ आनी चाहिए, वो चीज़ आती है नैतिकता से कि हमारे नैतिक जो इतने वास्ट हों, इतना सोच हमारी ऊंची हो कि हाँ हम सोचें कि हर कोई हमारी माँ है, बहन है या बेटी है, या ये रिश्ते हमारे ऐसे हैं। इज्जत, नारी के प्रति इज्जत, नारी के प्रति इज्जत है वो हमें बचपन से सिखानी पड़ती है और परवरिश पे काफी हद तक ये डिपेंड करता है, बाकी यहाँ हो रहा है वहां नहीं, उस पर तो खैर दूर की बात है। ज्योति जी एक बात हम करते हैं कि बच्चों को शुरुआत से सिखाना पड़ता है। हमारे समाज में एक बात बहुत ही नॉर्मल है कि एक 15 साल की सिस्टर को, एक बहन को माँ कहते हैं कि भाई अपने 5 साल के छोटे भाई को लेकर जाओ, वो तो ट्यूशन छोड़ देगा, ये सोच है। तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो छोटा 5 साल का भाई अपनी 15 साल की बहन की रक्षा कर पाएगा? कहीं ना कहीं उसे बदलने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं ये सोच भी उतनी गुनहगार है। लड़का और लड़की का सोच नहीं, लड़का हो या लड़की, हमें दोनों को ही सही शिक्षा देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि भाई नैतिक मूल्यों ने बताना चाहिए, बड़ों का सम्मान, और दूसरी चीज़ है कि जो एकल परिवार, बिल्कुल संयुक्त परिवार हमारे खत्म होते जा रहे हैं, मेरे माँ बाप नौकरी पे जा रहे हैं, बच्चे हैं, चाहे वो भाई बहन कई कैसे जाए, भाई बहनों के भी आए हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बच्चों में नैतिक मूल्यों को बताएंगे, सिखाएंगे, तो फिर वो बच्चा कम से कम आगे जाके ऐसा करने के लिए 10 बार सोचेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, स्कूलों में भी मॉरल एजुकेशन पे इतना नहीं है जोर, सब्जेक्ट ही ख़त्म कर रहे हैं और चीज़ें शुरू हो रही। लेकिन और दूसरी है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, बड़ों के प्रति सम्मान, और तभी वो आगे हम इन चीज़ों से। तो मोरालिटी, जो मॉरल एजुकेशन देने की ज़रूरत है, आप टीचर हैं, कितने पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे बच्चों के आप मॉरल एजुकेशन पर कितना ध्यान दे रहे हैं? कोई सवाल ऐसा उठता है कभी आपके पास? मेरे पास, हम लोगों के पास में अभी जैसे मैंने आपसे बात की थी कि लाइफ स्किल्स को एक सब्जेक्ट के रूप में हमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि बच्चों को हर चीज़ से कोई ना कोई, जो भी हम एक्टिविटी कराएं उससे कोई सीख क्या मिली, किसी सीख पर आधारित कोई एक्टिविटी हो और उस एक्टिविटी से उसको ये पता चले कि हाँ इससे मुझे ये सीख मिल रही है। यहाँ तक कि क्वेश्चन पेपर प्लानिंग में भी अभी एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन डाला जाता है हर सब्जेक्ट से। आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स के फलां कैलकुलेशन से आपको क्या मॉरल वैल्यू मिली है, इसका मतलब कनेक्शन कहाँ है, कंसंट्रेशन कहाँ है, इज्जत देना, ये सब चीज़ें हो रही हैं, अभी शुरुआती दौर पर हैं मैं कह सकती हूँ, लेकिन जिस तरह का पैटर्न है, बस मुझे थोड़ा सा उसमें लगता है कि थोड़ा गवर्नमेंट अगर इस तरह से सोचती कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम उस तरह से बना पाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि पॉलिसी बहुत अच्छी है, पॉलिसी में कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ नीतियाँ बहुत अच्छी बनती हैं उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनके लागू करने में इतनी खामियाँ आ जाती हैं कि आम जनता तक वाकई उसकी जो लाभ है ना वो पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, नीतियाँ बन जाती हैं लेकिन अमलीजामा पहनाने में देरी हो जाती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह मॉरल वैल्यूज की बात हो गई, चलो कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि मॉरल ग्राउंड्स पर भी टीच कीजिए, लेकिन अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी पर, हम सवाल उठाते हैं कि ऐसा हो रहा है, एक्सपोजर पर सवाल उठाते हैं, आपने इतनी फ्रीडम दे रही है, इस तरह की अवेलेबिलिटी हो गई है, क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन और हम कई बार माइंड सेट पर उठाते हैं कि भाई जो फला अपराधी था उसका बैकग्राउंड ये था, उसकी सोच ये थी। अभी एक रेप केस आया था जिसमें एक मंगेतर ने अपनी, जिसके शादी होने वाली थी जिस लड़की की, उसके साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंग रेप किया, वो किस, उसे आप क्या कहेंगे, मतलब वो किस तरह की सोच है, क्या उसके दिमाग में चल रहा था जिससे शादी होने वाली है?
देखिए ये मेंटेलिटी ये नहीं है कि भाई हमने मतलब बच्चों को ये सिखाया है और बच्चों ने, एक्चुअली कारण क्या है कि बच्चा जो शुरू से देख रहा है, जैसे आजकल कह रहे हैं टीवी, मैंने बताया नेट हुआ, उसमें क्या वो एक्सपोजर देख रहा है, और ये एक साइंटिफिकली ट्रूथ है कि बच्चा कुछ भी देखता है उसको करना चाहता है। अगर बच्चा स्कूल में कुछ पढ़ता है तो उसको प्रैक्टिकल करना चाहता है। जैसे एक बार यौन शिक्षा के बारे में हमारे देश में बात उठी थी, तो कुछ लोगों ने उसका फेवर किया, कुछ ने उसको अगेंस्ट हुए। उसका कारण यही था कि अगर हम यौन शिक्षा देते हैं छोटी उम्र में, जब वो डेवलप नहीं है, तो वो बच्चा उसको प्रैक्टिकल करना चाहेगा तो जो इस टाइप की जो सेक्स वाली बातें हैं ये ज्यादा हो जाएंगी। तो वही चीज है, उस बच्चे के मन में वो भावना आती है, वो किसी पे अगर नहीं कर पाता है तो जो उसको मिलता है वो अपनी भावना प्रैक्टिकली उस पर करके देखना चाहता है। तो ये वाली बात, क्योंकि हम खुलापन इतना देख रहे हैं, और वो चीज चाहे वो मंगेतर है, चाहे वो पिता है, कई बार चाचा है, कई बार कितने भी पड़ोसी हैं, वो अपनी भावनाएं जब जो देख देख के उनके मन में जंगलीपन आ रहा है और वो किसी पे नहीं कर पा रहे, तो जो भी मिल रहा है तो वो उस पे, तो काफी हद तक खुलापन इस पे सेंसर लगना चाहिए ताकि बच्चे इन चीजों को इतना ज्यादा ना सीखे और उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश ना करें। जी लगता है कि ये वाली बात एक हद तक कुछ डॉक्टर साहब जो कह रही हैं कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है जी। खुलापन इतना हमारे समाज में है भी नहीं कि हम ये सोचें कि भी बहुत ज्यादा वो है। बात ये है कि जो डर है अपराधी के मन में, क्योंकि आप ये देखिए जितने केसेस आए हैं लगातार, वो एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं है अपराधी की, उसकी मानसिक प्रवृत्ति वैसी रही है, तो 1000 लोगों में से कोई 2 या 4 अपराधी होते हैं। हर कोई अपराधी नहीं है जी, लेकिन वो 1 या 2 जो लोग हैं वही जब घटनाओं को एग्जाम देते हैं तो पूरा माहौल, आज जब ये प्रदर्शन हो रहे हैं या कुछ वो हो रहा है तो पुरुष वर्ग भी उतना ही दुखी है, उतना ही वो लोग भी हमारे घरों में भी सब हमारे चाहे पिता हैं, भाई हैं, हर कोई व्यक्ति एक पारिवारिक संबंध को निभा रहा है। बात यह है कि अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, चाहे वो 1000 में एक है, चाहे वो 10,000 में एक है, वो लोगों के मन में डर बैठना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी बात, हम यहाँ पर अशिक्षित वर्ग की नहीं करेंगे, जो पढ़े लिखे हमारे मंत्री भी हैं, नेता भी हैं, लेकिन इतना हल्के में लेने लगे हैं वो महिलाओं के दर्जे को कि महिला मंत्री पर टिप्पणी कर देते हैं, महिला कोई कोच होती है उसकी वेशभूषा पर टिप्पणी कर देते हैं, या फिर कोई महिला कर्मी होती है उस पर टिप्पणी कर देते हैं। समाज बहुत हल्का भी लेता है, सारी बातें हम अनसुनी कर सकते हैं जो टिप्पणियां हैं, लेकिन जो अपराध हो रहा है इसकी कहीं कोई माफी नहीं है। और आज जो सिचुएशन है, अब ये सब हम नैतिकता की बातें भी नहीं कर सकते, हम शिक्षा की बातें भी नहीं कर सकते, अब तो हमें रिजल्ट चाहिए। आज जो स्थिति बनी है 16 दिसंबर से आज तक, उसके भी आंकड़े आप सब लोग जानते हैं, कहीं कोई कमी आई नहीं रही है, तो अब तो इसका इलाज कुछ भी नहीं है। तो गुनाहगार इसका मतलब कि इलाज नहीं, गुनाहगार को कोई माफी होने ही नहीं चाहिए। ये जो एक्शन का टाइम आ चुका है, अब यहाँ बातें नहीं, अब यहाँ काम से काम चलेगा। अब यहाँ पर हमें रिजल्ट चाहिए, हमें अभी के अभी रिजल्ट चाहिए। जब अपराधी पकड़ा गया, जब वो छोटी बच्ची, एकदम मासूम बच्ची, जिसने अभी समाज को पहचाना तक नहीं, वो समाज से ये सब ले रही है, हमें उसका उसको जवाब क्या देना है? 5 साल की मासूम बच्ची से नहीं पता कि फादर ब्रदर को दंड देने के बारे में। मेरा एक बात और भी है, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि फांसी या कैस्ट्रेशन यही सजा होनी चाहिए ताकि मन में एक डर पैदा हो जाए। साथ में जो हम नाबालिग जिसको कह रहे हैं, जैसे पहले मैडम ने कहा कि वो नाबालिग नहीं है, अगर उसका मन इतना डेवलप हो चुका है, उसकी सोच इतनी विकृत हो चुकी है, तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। जबकि आज दामिनी केस में भी उसको नाबालिग कह के बचाया जा रहा है। एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगी, जुवेनाइल जैसा हम बात कर रहे हैं, लेकिन उस केस में भी यही हुआ था कि उसने सबसे ज्यादा हैवानियत की हदें पार करी थी, ये सुनने के बाद जब उसे कहा गया था कि तुम अभी बच्चे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी का जो हमारा एक पूरा ढांचा है, कि जहां हम कहते हैं कि भाई लड़का रोता है तो हम बोलते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, लड़कियों को हम बोलते हैं कि भाई तुम अपने भाई अपने पिता इस पर रिलाय करो, तो और लड़कों को हमें माचो जो इमेज दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी रिस्पॉन्सिबल। जरूर कहूंगी कि कानून बनाने वाले लोगों को हमारे यहाँ धर्म शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, वहां पर हर अपराध की, हर गुनाह की उसमें सजा का बहुत डिटेल्स दिया गया है, पढ़े ना वो लोग, उसके बाद कानून बनाए। हमारे कानून हमारे देश के अनुरूप बनना चाहिए ना, हमारी पुलिस हमारे भारत के स्वभाव के अनुरूप हो। हमें लगता है कि हम जैसे गुलाम देश के नागरिक हो
और पुरुष अत्याचार डंडे पर महिलाएं तो गुलाम, जिस तरह के हालात आ रहे हैं बारे तो महिलाएं तो गुलाम ही है। कानून पर सवाल उठ रहे हैं सिंधु प्रभा जी, कानून कटघरे में है जस्टिस। बहुत सारी बातें हो रही है और बहुत सारी बातें सामने आई है, जितनी बातें आई हैं उसमें लगभग बातें सच हैं, लेकिन कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ है, संविधान से बंधा हुआ है, हम एक साथ उसको तुरंत नहीं बदल सकते। अभी जो प्रावधान नए आए हैं, जो संशोधन किया गया, जो जमानती धाराएं थी उनको जमानती बनाया गया, तो अरे 3 महीने के अंदर डिसीजन देने की बात फिक्स हो गई है, फास्ट ट्रैक बनाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं भी एक बात कहना चाहूंगी, मैं भी एक नारी हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी असुरक्षित महसूस करती हूँ, मेरी भी बिटिया है, मेरी भी नातिन है। तो वहां पर जिस तरह का ये जघन्य अपराध है, इसमें सचमुच में अगर ये फर्स्ट में ही प्रथम दृष्टया ही अगर ये सिद्ध हो जाता है कि अपराधी यही है, तो उसको सरेआम फांसी देनी चाहिए, जिससे दूसरे उसकी मिसाल बने और दूसरों के मन में ये भय व्याप्त हो और दूसरा ये अपराध करने से गुरेज करने की आवश्यकता बहुत कम सामने तो सिद्ध हो ही जाता है। अब क्या सिद्ध, उसमें क्या एक्सपेरिमेंट करने भाई, ये चौंकाने वाली बातें, बहुत अपराधी घोषित है, अभी क्या सिद्ध करना है भाई। जिस समय संविधान बना उस समय हालात इतने खराब नहीं होंगे, और लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरह से गिरावट आई है समाज के नैतिक मूल्यों में और जिस तरह महिलाओं के प्रति लगातार अपराध बढ़ा है, तो उसमें इस समय सख्त जरूरत है कि उनकी महिलाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी दें। सरकार का एक बड़ा सोच तो महिलाओं की सुरक्षा को वोट बैंक ना माने, उसको प्रायोरिटी दे जी। और वोट बैंक भी 50% महिलाएं हैं, अगर आप उनकी सुरक्षा को ध्यान नहीं दे रही और वो सारी महिलाएं एक सिरे से खड़ी हो जाएं सरकार के खिलाफ, तो कहां से सरकार बचेगी जी। बिल्कुल, तो इसलिए मुझे लगता है कि हर दृष्टि से उनको ये सोच करके कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए जी, महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और उंगलियां उठाने से कुछ होते हैं, बहुत कम समय मेरे पास रह गया। भय बिनु होई न प्रीत, प्रीत भी जर बिना भय के नहीं होता, तो अपराध कैसे खत्म हो सकता है बिना भय के? इसलिए भय होना नितांत आवश्यक है। एक बात बताइए, मानवता किसके लिए, ह्यूमन राइट्स किसके लिए, मानव अधिकार किसके लिए? मानव के लिए। मानव सारी हदें पार कर रही है, उसको ह्यूमन ग्राउंड पर ह्यूमन राइट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, एग्जाम्पल सेट करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम जो हमारे खास मेहमान जुड़े। तो सवाल यही है कि गुड़िया के कितने गुनाहगार हैं, उंगलियां कानून पर, न्याय पर, व्यवस्था पर, परिवर्तन पर, तमाम चीजों पर उंगलियां उठ रही है, लेकिन हमें खुद के अंदर झांकने की जरूरत है, हम सबको सोचने की जरूरत है, आखिरकार हम किस हद तक इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम कितने गुनाहगार हैं, तभी जो सही गुनाहगार हैं उन्हें सजा मिल पाएगी और हम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे ताकि जो हमारी तमाम गुड़िया है इस देश की, वो उन्हें बाहर निकलने से पहले रोका ना जाए, उन्हें बाहर निकलने से पहले ये कहा जाए कि बाहर जमाना महफूज नहीं है, तुम घर के अंदर रहो, लेकिन वहां भी महफूज रहने की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। नमस्कार। फिर कोई दामन दागदार ना हो,